Today we are going to study SST lesson number 9, Administration of the State. Okay, this we have learned the previous year in 6th standard. हमने बहुत सारी चीज़ें अंदर पढ़ी थी कि it starts from the local self-government. ठीक है, local self-government हमें पता है कि वो भी एक नीचे के लेवल से स्टार्ट होता है. It starts from the village area. Okay, village level से start होकर it goes to taluka or towns. ठीक है, टाउन्स में जाता है, टाउन से फिर डिस्ट्रिक्ट या तालुकास में आता है, फिर स्टेट लेवल पे आता है. इस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है. ओके, तो हमने ये सारे लेवल पढ़े थे और सबसे पहले हमें पता है कि हमारी कंट्री जो है इट एडमिनिस्ट्रेट द कंट्री ऑन द एट द थ्री लेवल. ठीक है, तीन लेवल पर ये काम करता है. एक तो लोकल लेवल, मतलब कि हम स्टेट सपोज ले लेते हैं हमारा जो विलेज एरिया या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल है. दूसरा होता है स्टेट लेवल, एस जैसे कि गुजरात, एमपी. ठीक है, इस तरीके से. और फिर सेंट्रल लेवल. सेंट्रल लेवल आपको पता है जो हमारे पूरे कंट्री के लेवल पे चलता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल लेवल. तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन हमने थोड़े थोड़े अपने लेवल पे हमने पढ़ा है. तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट. कि ये हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो स्टेट लेवल है वो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करता है, क्योंकि लेसन का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे स्टेट में किस तरीके से जो राज्य जो चलता है वो कैसे चलता है, चीफ मिनिस्टर कैसे चलाते हैं, लोकल लेवल पे एमएलएस कैसे चलाते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे. तो सी, वी विल स्टार्ट द लेसन फ्रॉम हियर. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवर कंट्री फंक्शंस एट थ्री लेवल्स, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल. है ना, हमें पता है कि हमारी कंट्री जो है तीन लेवल पे फंक्शन करती है. सबसे पहले लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, क्योंकि हमारी कंट्री जो है बहुत ही वास्ट है. इट इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री, बहुत ही बड़ी कंट्री है जिसको एक अकेले पर्सन को हैंडल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके बहुत सारे एरिया के साथ साथ बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं और बहुत सारे स्टेट भी हैं. ओके, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको हैंडल करने के लिए उन्हें ये सारे काम को डिवाइड कर देना पड़ता है और उसके कुछ लेवल्स बना देने पड़ते हैं. तो सबसे बड़े उन्होंने बड़ा बड़ा जो लेवल बना दिया है वो बना दिया है लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल. ये तीन लेवल पे ये लोग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, पूरी कंट्री की बात हो रही है. ओके, हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था कि वर्किंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है ना. हमने सब कुछ पढ़ा था कि उसमें म्यूनिसिपैलिटी क्या काम करती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या काम करती है, जिला परिषद क्या काम करते हैं. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, आपको याद आया होगा. तो इस बार हम लोग ये पढ़ेंगे, वी शैल लर्न अबाउट हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस एट द स्टेट लेवल इन अ डेमोक्रेसी. हमारी डेमोक्रेसी में स्टेट के लेवल पे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस तरह से सब कुछ मैनेज किया जाता है, कैसे राज्य चलाया जाता है, कैसे लोगों को फैसिलिटीज दी जाती है, कैसे लोगों की वेलफेयर के लिए काम होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, व्हाट आर द रोल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हाउ डू पीपल पुट फॉरवर्ड देयर क्वेश्चंस एंड आइडियाज टू द गवर्नमेंट, how do they ask for the fulfillment of their demands. To understand more about these questions we shall take the example from the medical field. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे questions लोगों के मन में उठते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है. ठीक है, मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है, जो अलग अलग तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर. तो ये लोग क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, इनका क्या रोल होता है. ठीक है, और फिर दूसरा होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स लोग कैसे बनते हैं, वो लोग क्या काम करते हैं. और बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम डायरेक्टली मिनिस्टर्स को पूछते हैं. अब हम एक एक लोग तो उनके पास नहीं पूछने जाते, लेकिन हम सब की तरफ से हमने एक रिप्रेजेंटेटिव चुना होता है इलेक्शन के थ्रू, जिसे हम ये अपने जो प्रॉब्लम्स है वो हम उन्हें बोलते हैं और वो प्रॉब्लम्स जो है वो ले जाकर स्टेट लेवल पर बोलते हैं. और स्टेट लेवल्स पे अगर सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व होता है तो वो चला जाता है सेंट्रल लेवल पे. ओके, अब देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल इन्होंने दिया है एक मेडिकल फील्ड का, उन्होंने एग्जाम्पल दिया. यू कैन सी हियर नंबर वन, यहाँ पर ये दो बॉयज़ हैं, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस बारे में बात होगी. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ ऑन टीवी 10 पीपल हैव डाइड इन सूरत ड्यू टू कॉलेरा. ठीक है, अब ये
टॉपिक है, ठीक है, कि टीवी पर न्यूज दिखाया गया है कि सूरत में कोलोरा की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है। अब ये क्वेश्चन जो है यही इसकी जो है डिस्कशन जो है लोगों के बीच में हो रही है। तो ये जो येलो शर्ट वाला बॉय है ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कैन पीपल रियली डाई ड्यू टू एन एपिडेमिक, क्या उसको ये शायद उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि लोग जो है कोलोरा की वजह से मर भी सकते हैं। तो वो पूछ रहा है क्या सच में लोग एपिडेमिक की वजह से मर सकते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है जो पूरे शहर में फैल चुका हो, ठीक है, शहर से ज़्यादा आगे नहीं जाता है, पूरे शहर में कोलेरा फैल चुका हो उसको कहा जाता है एपिडेमिक। हमारा अभी हम लोग देख रहे हैं पैंडेमिक जो कोरोना है, तो कोरोना को पैंडेमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। ओके, तो ये फ़र्क होता है एपिडेमिक और पैंडेमिक में। अब यहाँ पर ये जो रेड शर्ट वाला है ये कह रहा है हाउ वुड आई नो, द ओनली थिंग that I care about is that I am not affected by this, ठीक है। रेड शर्ट वाला कह रहा है कि तुमने टीवी में देखकर ये तो पता कर लिया कि 10 लोग मारे गए हैं क्या, और हमें शक है कि क्या सच में लोग मर रहे हैं। और रेड वाला जो शर्ट लड़का कह रहा है कि मुझे तो लगता नहीं है क्योंकि मैं तो इससे अफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं तो ठीक हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि क्या सच में लोग मर रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पर नंबर 2 में देख रहे हो कि एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे मिलने के लिए कोई रिलेटिव आए हैं, ओके, और ये लोग यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं। तो येलो शर्ट वाला कह रहा है आई कैन हियर अ प्रोसेशन आउटसाइड, ठीक है, उसे कुछ सुनाई दे रहा है खिड़की के बाहर, लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। तो क्या बातें कर रहे हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। नंबर 3 में यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि ये कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं और एक आदमी जो है यहाँ माइक के पास खड़ा होकर वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये, वी डिमांड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द एपिडेमिक, दे शुड पे अटेंशन टू मेंटेन द क्लीनलीनेस एंड टेक द स्टेप्स टू स्टॉप द एपिडेमिक फ्रॉम स्प्रेडिंग, ठीक है। तो ये हमारे बीच का एक कॉमन पर्सन है जो ये डिमांड कर रहा है कि भाई जो अगर कुछ कोलेरा फैल चुका है तो गवर्नमेंट को तुरंत ही कोई एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले तो पूरे शहर में साफ सफाई का ख्याल रखा जाए क्योंकि कोलेरा जो है गंदगी की वजह से होता है, और उसके बाद इसको रोकने के लिए दवाइयाँ का इंतजाम होना चाहिए, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। लोग जो है ये डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से। नंबर 4 जो है यहाँ पर एक पुलिस है और यहाँ पर 2 बच्चे हैं, तो इनसे क्या बात हो रही है देखते हैं। मे बी इट्स बिकॉज पीपल आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कोलेरा एपिडेमिक, तो ये लोग जो है पुलिस को देख रहे हैं, तो इन बच्चों को लग रहा है कि हो सकता है कि कोलेरा का जो एपिडेमिक है ये बड़ा तेज फैल रहा है, तो हो सकता है कि पुलिस वालों को यहाँ रखा होगा और ये लोग कामकाज देख रहे होंगे कि पूरे शहर में साफ सफाई हो रही है या नहीं, लोगों को लोग बाहर का खाना कम खाएं, ओके, तो इस तरह से इन लोगों को शायद यहाँ पर रखा गया है सुपरविजर के लिए। अब नंबर 5 में ये 2 बच्चे हैं ये भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट बॉय जो है वो कह रहा है आई थिंक द पीपल हु आर एड्रेसिंग द प्रोसेशन आर लीडर्स, ठीक है, यहाँ पर ये जो कह रहा है कि जो प्रोसेशन में ये नंबर 3 जो है ये प्रोसेशन है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और वो लोग अपनी अपनी बात जो है वो माइक पर आकर कह रहे हैं। ये जो 5th नंबर में है ये बच्चा कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये जो आदमी बोल रहा है ये लीडर होगा, ऑफ कोर्स ये लीडर ही होगा, और हम सब कॉमन पर्सन की तरफ से ये उसकी यही मांग है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो गवर्नमेंट है वो तुरंत इस एपिडेमिक के खिलाफ कोई एक्शन ले और पूरे शहर में जो है वो क्लीनलीनेस का ख्याल रखे। और तभी ये दूसरा बॉय कहता है यस दे आर लीडर्स आई हैव सीन देम ऑन टीवी, ठीक है, तो इस आदमी को इस बच्चे ने टीवी पर देखा है, तो ये कह रहा है कि हाँ बिल्कुल सही ये लोग लीडर ही है और ये लोग जो है यहाँ पर प्रोसेशन निकाले हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, थिंक ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, हमें जो ऊपर पिक्चर दिया है उसके बेसिस पर हमको क्या सोचना है। सबसे पहले ये व्हाई वाज द प्रॉब्लम ऑफ कोलेरा सो सीरियस इन सूरत, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ अनक्लीनलीनेस इन द सिटी, है ना, वहाँ पर बहुत गंदगी होगी, लोगों ने ध्यान नहीं रखा होगा साफ सफाई का और बाहर का जैसा तैसा खाना खाया होगा जिसकी वजह से कोलेरा जो है बड़ी तेजी से फैल रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट स्टेप शुड बी टेकन बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन सच अ केस एज मेंशन अबोव एंड व्हाट आर द व्यूज, ठीक है, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो सूरत के जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो जिसके हाथ में ये पूरी बागडोर होगी जो वहाँ का MLA होगा तो उसने क्या काम किया होगा। तो सबसे पहले तो उसने जो है पूरे सिटी में साफ सफाई अच्छी तरह से करवाने का ऑर्डर दिया होगा,
बाद में जितनी भी लारियों पर जो खाना मिलता है, रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता है, उनके खाने को टेस्ट करवाने के लिए अपनी एक सुपरविजन करने के लिए एक टीम भेजी होगी कि भाई जाकर तुम देखो जगह जगह पर कि इन लोगों का खाना कैसा है। कई बार ऐसा होता है कि लारी पर जो है बासी खाना मिलता है, तो इसकी वजह से भी लोगों को बीमारियाँ फैलती हैं। तो ये उन्होंने एक स्टेप उठाया होगा, ठीक है, और यही स्टेप उनको उठाना चाहिए। व्हाट आर द व्यूज़, ये हमारे व्यूज़ हैं कि उनको क्लीनलीनेस का ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने की जो जगह जगह पे रेस्टोरेंट है या लारी है तो उनके खानों की चेकिंग होनी चाहिए कि क्या ये सही खाना लोगों को खिला रहे हैं। ओके, एंड इफ सच अ सिचुएशन अराइजेज इन योर लोकेलिटी, हुम विल यू अप्रोच टू प्रेजेंट द केस बिफोर द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हमारे एरिया में एपिडेमिक फैल चुका है तो हम किसको अप्रोच करेंगे, किसको बताएंगे? तो हम जाकर अपने एमएलए को बताएंगे कि भाई हमारे एरिया में इस तरीके का जो है कोलेरा फैल चुका है, एपिडेमिक फैल चुका है, और आप इसके लिए जरूर कुछ करिए। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, उसके आंसर हम इस तरीके से देंगे। अब हम आगे चलते हैं इसमें। यू हैव रेड अबाउट द इंसिडेंट ऑफ द कोलेरा एपिडेमिक, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड लीडर्स ऑफ योर एरिया प्रेजेंटिंग द हेल्थ इश्यूज टू द लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अदर ऑफिशियल्स, एंड बट यू हैव सीन द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ऑफ योर एरिया, हैव यू हर्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोलेरा एपिडेमिक के बारे में हमने देखा, राइट, हमने ऑब्जर्व किया, तो यहाँ के जो लीडर्स हैं ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं उनके पास जाकर ये बता रहे हैं, कलेक्टर्स के पास जाकर ये लोग बता रहे हैं कि हमारे एरिया में जो है एपिडेमिक फैल चुका है, तो आप इसके लिए कुछ करिए। ठीक है, और क्या आपने अपने एरिया के एमएलए को देखा है? ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना है तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, सी लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नोन एज एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलएज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी दे बिकम द एमएलएज एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। दस वी कैन कंक्लूड दैट एमएलएज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। ठीक है, एमएलए में हमने बात की थी कि एमएलए जो होता है वो हमारे ही एरिया का, हमारे एरिया में जब इलेक्शन होता है तो हम उनको अपना इलेक्शन, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हमारी ओर से जितने भी दुख दर्द हैं वो हम इनको बताते हैं और वो ले जाकर स्टेट लेवल पर जाकर बताते हैं, और तब जाकर सीएम को पता चलता है कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लोगों के लिए क्या काम करना है, लोगों के वेलफेयर के लिए हमें क्या करना चाहिए, तभी पता चलता है। ओके, तो एमएलए जो होता है उसको कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो डायरेक्टली हम उन्हें चुनते हैं, हम मतलब के कॉमन पीपल। इलेक्शन होता है, लोग वोट करने जाते हैं, और वोटिंग में जो जीतता है, जो पार्टी जीतती है वो अपना गवर्नमेंट बनाती है, और हमारी तरफ से वो सारी बातें जो है वो स्टेट के जो सीएम होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनको जाकर ये सारी बातें बताते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑल द स्टेट्स ऑफ द इंडिया हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारे जितने भी स्टेट्स हैं सभी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। आपको यहाँ नीचे पिक्चर दिखाई देगा, ये गांधीनगर की पिक्चर है, आप यहाँ देख सकते हो, ये लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात है। ओके, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, सारे स्टेट को उन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाई द पीपल, एंड द नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जैसे हमारे यहाँ पे गुजरात में 7 crore लोग रहते हैं, तो 7 crore के हिसाब से इस विधानसभा में उन्होंने सीट्स रखी होगी, और हम क्या करते हैं अपने हर एरिया के जितने भी, सपोज भरूच है तो सिर्फ भरूच का, राजकोट है तो राजकोट, सूरत के, जामनगर, भावनगर, राइट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, तो वहाँ से एक 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 एमएलए चुनकर वहाँ से आते हैं, और ये सारे एमएलए जो है वो इस विधानसभा में जाकर, इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर अपने अपने एरिया की बात सुनाते हैं। ओके, कि उनको क्या दुख है, उनको क्या चाहिए, उनको कहाँ ब्रिज की ज़रूरत है, कहाँ रोड्स की ज़रूरत है, कहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, राइट, कहाँ पर डैम बनाने की ज़रूरत है, ये सारी बातें जो है यहाँ पर आकर डिस्कस होती हैं। ओके, और जिसे हम लोग चुनते हैं, और अलग अलग होता है, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ सीट्स है 182 सीट्स है, देखो यहाँ दिया हुआ है हमारे विधानसभा में 182 सीट्स है। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन 7 crore है पूरे गुजरात की, तो 182 सीट्स काफ़ी है,
लेकिन जहाँ पर अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ 25 करोड़ लोग रहते हैं, तो वहाँ की सीट्स ज़्यादा होंगी, वहाँ पे करीब करीब 300 सीट्स होगी, तब जाकर वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग वहाँ पर चुनकर आते हैं। ओके, तो इस तरह से स्टेट टू स्टेट ये जो सीट होती है वो अलग अलग होती है। इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर हेल्ड एवरी 5 ईयर। कैंडिडेट्स कैन बी आइदर रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पार्टी और स्टैंड फॉर इलेक्शंस एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, दस द MLA कैन बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज। ठीक है, हर इलेक्शंस जो होता है वो हर 5 साल में आता है, इलेक्शंस हर 5 साल में आते हैं, उनको चुन लिया जाता है, अगर जो जीत जाता है वो लोग अपनी पार्टी बनाते हैं। अब ये जो MLA होते हैं वो अलग अलग पार्टी से आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर BJP पावर में है, इस वक्त पूरे देश में BJP पावर में है, तो हमारे गुजरात में भी जो हमारे भरूच में है वो भी BJP के ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि लोग जो है कांग्रेस वाले को यहाँ पसंद करते हो, तो पूरे देश में तो BJP पावर में है, लेकिन हमारे भरूच में हो सकता है कि वो कांग्रेस के होंगे। ओके, तो इस तरीके से ये हेल्प करता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो MLA है वो सेम पार्टी का हो जो नेशनल लेवल पे हो। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात हैज़ 182 सीट्स एंड इज सिचुएटेड इन गांधीनगर विच इज़ द कैपिटल। द लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन द विठल भाई पटेल विधानसभा गृह। देखो ये है विठल भाई विधानसभा गृह, मतलब कि घर होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम विधानसभा कहते हैं, गांधीनगर में ये स्थित है और ये 182 सीट्स यहाँ पर है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है। लेट अस लर्न अबाउट हाउ अ मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर इज सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द MLAs। तो जैसे कि चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। द पार्टी विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs और गेंस अ मेजोरिटी विद द सपोर्ट ऑफ अदर पार्टीज और द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। ही और शी इज इन्वाइटेड टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पार्टलर। द पार्टी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट इज नोन एज रूलिंग पार्टी व्हाइल द अदर पार्टी फॉर्म्स द अपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो पार्टी जो है जिसका बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs हो, तो वो कैसे MLA बनते हैं, ढेर सारे MLAs हों और उनको जो मेजोरिटी, उन्होंने जब वोट जीत जाते हैं वो लोग, बहुत सारे वोट उनकी पार्टी के नाम पर आ जाते हैं, तब ये अपनी अलग एक पार्टी बना लेते हैं। कई बार वो दूसरे पार्टी का भी सपोर्ट लेते हैं और कई बार अकेले ही उनकी पार्टी काफ़ी होती है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा सीट्स जीती होती है, तो इस तरह से वो उनकी जो हाथ में उनके पावर आ जाता है और वो गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करते हैं मेजोरिटी पार्टी को एज अ चीफ मिनिस्टर। जैसे कि अगर ढेर सारे आ गए हैं, जैसे ढेर सारे हम कहेंगे कि पार्टीज़ के लोग आ गए हैं, ठीक है, अब उस पार्टीज़ में BJP भी है, चीफ में कांग्रेस भी है और इसके साथ साथ और भी यहाँ की रीजनल पार्टी जैसे RSS के लोग भी आ गए हैं या फिर और भी कोई लोग आ गए हैं, तो उन लोगों का बजरंग दल आ चुका है। तो इन लोगों में अगर उनको लगता है कि BJP को थोड़ी सी सीट की कमी पड़ रही है, तो बजरंग दल उनको सपोर्ट कर देता है। तो इस तरह के सपोर्ट करने से उनको एक अपनी पार्टी बना लेते हैं और BJP ने क्योंकि ज़्यादा सीट्स के सिक्योर किया है, तो अब इनको इनमें से ही कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि हम चीफ मिनिस्टर किसको करेंगे, किसको बनाएंगे, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमने पहले भी पढ़ा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, पोस्टल एंड टेलीग्राम होते हैं, रोड्स मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर है, इस तरीके के मिनिस्टर्स को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो ये लोग अपने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। जैसे BJP अगर जीत गई है तो ये जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो BJP के होंगे, ठीक है, और इस तरीके के गवर्नमेंट को जो कहा जाता है रूलिंग पार्टी कहा जाता है, वाइल द और जो उसके सामने वाले जो हार जाते हैं उनको अपोजिशन पार्टी कही जाती है। अपोजिशन मतलब उनके अपोज में रहते हैं, उनके हमेशा उनके विरोध में रहते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। द आफ्टर इलेक्शंस द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस मिनिस्टर्स। ठीक है, इलेक्शन होने के बाद गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं,
ठीक है, गवर्नर जो होते हैं चीफ मिनिस्टर से भी ऊंची पोस्ट उनकी होती है, वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो कलेक्टिवली उन्होंने सोच रखा होता है कि हम किसको किसको क्या क्या बनाएंगे, ठीक है, और फिर उन लोगों को वो डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। ईच मिनिस्ट्री इज हाउस्ड इन डिफरेंट ऑफिस प्रीमाइसेस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द MLAs belonging to both the ruling party and the opposition assembles for discussion, and many MLAs have dual responsibility as an MLA and as a minister. ठीक है, कई बार क्या होता है कि सारे मिनिस्टर लोगों को अलग अलग प्रीमाइसिस दी जाती है, प्रीमाइसिस मतलब उनकी एक अलग बिल्डिंग होती है, उनकी ऑफिस अलग होती है। जैसे कि अगर रेलवे मिनिस्टर को मिलने जाना है तो हो सकता है कि इनकी ऑफिस जो है अहमदाबाद में हो, ठीक है, अहमदाबाद के किसी आंबावाड़ी एरिया में होगा। अगर एजुकेशन मिनिस्टर को मिलने जाना है तो फिर चांदखेड़ा में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से इनको अलग अलग प्रीमाइसिस अलग अलग जगह पे दी जाती है, और जहाँ पे सारे MLAs आते हैं इकट्ठा होते हैं, दोनों ही पार्टी के, रूलिंग पार्टी के भी और अपोजिशन पार्टी के। इन लोगों को जब भी कुछ डिस्कस करना होता है तो हमने जो ऊपर के फोटो में देखा विधानसभा जो गांधीनगर में है वहाँ पर लोग इकट्ठा होकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे MLA ऐसे होते हैं जो दो रोल निभाते हैं, MLA तो वो बन गए लेकिन साथ साथ में उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी शामिल किया जाता है, तो उनको दो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, एक तो MLA की और एक मिनिस्टर की, ठीक है। एंड द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव विच कंप्राइजेज ऑफ द गवर्नर द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ऑर्गन होता है स्टेट गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव तो हमने देखा लोकल सेंट्रल लेवल पर भी होता है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। तो एग्जीक्यूटिव जो है नेशनल लेवल पर तो होता ही है, स्टेट लेवल पर भी होता है। और उसमें कौन कौन होते हैं इस एग्जीक्यूटिव में, एक तो गवर्नर होते हैं जो मैंने आपको बताया कि CM से भी ऊंची पोस्ट उनकी होती है, चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये तीनों लोग मिलकर एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। ओके, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हु वर्क अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब यहाँ पर गाइड करने वाले और कंट्रोल करने वाले, मनी मिनिस्टर्स को कंट्रोल करने वाले और उनको बार बार नई चीज़ों को बताने वाले यानी गाइडेंस करने वाले को एग्जीक्यूटिव बॉडी का एक पार्ट होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कॉल्ड गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव वाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आर कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, उनको गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इनके अंडर में कुछ ऑफिसर्स अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ओके, अब पढ़ते हैं गवर्नर। गवर्नर कौन होते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि गवर्नर जो है चीफ मिनिस्टर से भी ऊंची पोस्ट पर होते हैं। तो ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज अ गवर्नर, ठीक है, हमारे हर एक स्टेट के पास अपना एक गवर्नर है। He or she is appointed by the president for 5 years after consulting the prime minister. और ये जो गवर्नर होते हैं ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। प्रेजिडेंट इनको चूज करते हैं, और ये प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये लोग मिलकर ये चूज करते हैं कि भाई MP में हम किसको गवर्नर रखें, गुजरात में हम किसको गवर्नर बनाएं, झारखंड में किसको गवर्नर बनाएं, आसाम और मेघालय में किसको गवर्नर बनाएं। तो ये सारी चर्चा जो है ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ये दोनों मिलकर बैठकर सोचते हैं, और फिर उनको गवर्नर बनाया जाता है और उनके स्टेट में भेजा जाता है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड ऑन आउट इन और हिज नेम, ठीक है। गवर्नर जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यानी यहाँ पर अगर गुजरात में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो चीफ मिनिस्टर अकेले नहीं ले सकते, चीफ मिनिस्टर को गवर्नर को बताना पड़ेगा कि भाई गुजरात में ये सिचुएशन है, हम ये करना चाहते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं। तो फिर ये लोग मिलजुल कर अपना डिस्कशन करते हैं और फिर जो सही होता है वो डिसीजन लिया जाता है, और डिसीजन जो होता है वो गवर्नर के नाम पे ही लिया जाता है। एंड गवर्नर एंश्योर्स द स्टेट गवर्नमेंट, द गवर्नर एंश्योर्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस ऑफ द गवर्नर आर, ठीक है। गवर्नर ये कहते हैं कि हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करते हैं। और ये गवर्नर का क्या काम होता है, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नंबर 1, इन्वाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है, जो जीत कर आता है। जैसे कि अगर पूरे गुजरात में
हर जगह से अगर कांग्रेस जीत जाती है, ढेर सारी सीट उसको मिल जाती है, तो गवर्नर क्या करेंगे, कांग्रेस के पार्टी को बुलाएंगे, मेजोरिटी पार्टी को बुलाया जाएगा कि चलो भाई अब हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ सीक्रेसी, उनसे प्रतिज्ञा लिवाई जाती है, ऑथ लिवाया जाता है कि तुम जो भी काम करोगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हित में रहकर और हमारे स्टेट के हित के लिए काम करोगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करोगे, ओके, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करोगे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हैं आपके पावर जितने हैं आप उतना का ही इस्तेमाल करके आप इसको एडमिनिस्टर करोगे। कॉल द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशंस एंड ऑल्सो अनाउंसेस इज एडजॉर्नमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव असेंबली बुलाई जाती है, जैसे कि अभी मॉनसून चल रहा है तो अभी मॉनसून सत्र चल रहा है, यहाँ पर लोगों को अलग, ये मेजोरिटी पार्टी के लोगों को बुलाया जाता है, अपोजिशन पार्टी को बुलाया जाता है, और फिर इनको बुलाकर जो भी डिस्कस करना होता है वो डिस्कस करते हैं और फिर एडजॉर्न करते हैं। एडजॉर्न का मतलब फिर डिस्पर्स कर देते हैं, ओके अब आज के दिन के लिए सिर्फ इतना ही, ऐसा कहकर उन्हें भेज दिया जाता है। एंड एवरी बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर हैज टू रिसीव द गवर्नर्स एसेंट, हाउएवर मनी बिल्स रिक्वायर हिज प्रायर अप्रूवल, ठीक है, जितने भी बिल यहाँ पर पास होते हैं, सपोज गुजरात ने, गुजरात गवर्नमेंट के हाथ में कुछ पावर है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है और अपने लॉ एंड ऑर्डर खुद एक दो बना सकते हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर बनाने से पहले या तो मनी बिल पास करने से पहले गवर्नर की मंजूरी जरूरी है। एसेंट का मतलब होता है मंजूरी, ठीक है, इनकी मंजूरी जरूरी है, अगर ये एग्री होते हैं तभी ये बिल आगे बढ़कर उन्हें या तो रुपया, अगर रुपये पैसे मांगे हैं तो उनको रुपया दिया जाता है, अगर उन्होंने कोई कानून मांगा है तो इस कानून को तभी यस कहा जाता है जब गवर्नर की सिग्नेचर हो जाए, ठीक है, और तब जाकर ये लॉ बनता है। अ बिल अंडरगोस 3 रीडिंग्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर इट इज पास्ड, फॉलोइंग दिस इट इज सेंड टू द गवर्नर बिफोर इट बिकम्स अ लॉ, एंड ठीक है, अब बिल जो है वो 3 बार रीड किया जाता है, मतलब 3 बार पेश किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। बार बार इसलिए पेश किया जाता है कि उस पर बार बार सोच विचार हो कि क्या ये जो कानून बनने जा रहा है ये सही है, लोगों के वेलफेयर के लिए है, लोगों को कोई हार्म तो नहीं करेगा, और इस वजह से ये गवर्नर को भेजा जाता है कानून बनने से पहले। जब एक गवर्नर को लगता है कि हाँ चलो सब कुछ ठीक है अब हम इसको कानून बना सकते हैं, तब वो उस पर सिग्नेचर करते हैं और ये बिल जो है बन जाता है लॉ, और लॉ का मतलब होता है कानून। द रिवाइज बिल इज सेंट बैक टू द गवर्नर फॉर हिज सिग्नेचर, और जब ये रिवाइज कर लिया जाता है, 3-3 बार पढ़ लिया जाता है, तब ये भेजा जाता है गवर्नर के पास उनके सिग्नेचर के लिए। इन एन इमरजेंसी द गवर्नर कैन इश्यू द ऑर्डर्स कॉल्ड ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, इमरजेंसी यानी जैसे कोई वॉर होने जा रहा है या तो फिर कोरोना की वजह से अचानक से उन्हें पूरे देश को बंद करना पड़ रहा है, तो इसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस। तब ये ऑर्डर दे देते हैं कि चलो दो देशों में वॉर होने जा रहा है तो बाकी के जो कामकाज है वो इस दिन के लिए थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दिया जाए, तो ये गवर्नर इश्यू कर सकते हैं ऑर्डर। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो बहुत सारे जगह पे बहुत ज़्यादा जब कोरोना हो जाता है तो लॉकडाउन लग जाता है, तो लॉकडाउन का जो फैसला होता है वो गवर्नर का होता है। गवर्नर कहते हैं कि पूरे देश, पूरे राज्य में, हमारे राज्य में कम से कम आप लॉकडाउन लगा दो, और इस इमरजेंसी को कहा जाता है ऑर्डिनेंसेस। ओके, अपॉइंट्स द जजेस ऑफ ऑल द कोर्ट दैट वर्क्स अंडर द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं उनको यही गवर्नर अपॉइंट करते हैं, यही उन्हें बुलाते हैं। इन्फॉर्म टू द प्रेजिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट के हर एक रिपोर्ट को, हर एक चीज को वो डिस्कस करते हैं, बताते हैं प्रेजिडेंट को। ओके, अब चीफ मिनिस्टर का क्या काम है हम उसके लिए पढ़ेंगे। द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द स्टेट गवर्नमेंट, ही और शी इज कॉल्ड द CM। द फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स आर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ये हेड होते हैं क्योंकि यही जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या क्या काम किया है ये उनसे पूछते हैं और उनकी नोट की जाती है। तो चीफ मिनिस्टर का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, और इनको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में CM। और इनके क्या काम है हम यहाँ देखते हैं। नंबर 1, एलोटिंग द वेरियस पोर्टफोलियोज टू डिफरेंट मिनिस्टर्स फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, पोर्टफोलियोज मतलब उनको कामकाज दिया
दिया जाता है, पूरा एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। आपको रेलवे संभालना है, आपको पोस्ट एंड सर्विसेज हमारे गुजरात का संभालना है, आपको एजुकेशन संभालना है, आपको होम मिनिस्टर्स बनकर यहाँ का देखना है कि पूरे गुजरात में क्या चल रहा है, आपको हेल्थ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, आपको हेल्थ देखना है। तो इस तरीके से अलग अलग पोर्टफोलियोज वो लोगों को दे देते हैं ताकि जो है हमारे गुजरात में या जो भी स्टेट के सीएम है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करके उसको एडमिनिस्टर किया जा सके। कॉलिंग फॉर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट रेगुलर इंटरवल, समय समय पर मीटिंग्स होती है और उनसे पूछा जाता है, हर एक डिपार्टमेंट के लोगों से पूछा जाता है कि आपने 6 महीने में क्या काम किया, आपने पिछले 3 महीने में क्या काम किया, जो चीज़ नहीं हुआ था, जो प्रॉब्लम थी क्या वो सॉल्व हुई, ये सारी बातें पूछने के लिए बार बार मीटिंग बुलाई जाती है। एंड सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइडिंग देम, ठीक है, हर मिनिस्टर के ऊपर उनकी नज़र रहती है सीएम की और उनको गाइड भी करते हैं वो कि आप इस तरीके से काम करो, इस तरीके से काम करो, ठीक है। इन्फॉर्मिंग द गवर्नर अबाउट डिसीजंस टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और गवर्नर को इन्फॉर्म किया जाता है, ये जो सीएम होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या क्या काम कर रहे हैं उनसे पूछने के बाद, उनसे नोट लेने के बाद ये चीज़ वो गवर्नर को दे देते हैं कि भाई हमारे कंट्री हमारे स्टेट में ये हो रहा है। तो ये काम चीफ मिनिस्टर का है कि वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिपोर्ट लेकर गवर्नर तक पहुँचाए। फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ नेसेसरी, अगर सीएम को लगता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ढंग से काम नहीं कर रहे, रेलवे में कुछ काम नहीं हो रहा है, हेल्थ में कोई सुधारा नहीं हो रहा है, या तो फिर कोई एजुकेशन में सुधारा नहीं किया जा रहा है, तो वो चाहें तो इन मिनिस्टर्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रेम द पॉलिसीज फॉर एलोटेड सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव्स, इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेज द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंट्रोड्यूसेज द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये पॉलिसीज बनाते हैं जो भी सब्जेक्ट उनको दिया है, जैसे अगर रेलवे को दिया है तो रेलवेज की कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है। अगर उनको हेल्थ का दिया है तो वो हेल्थ की पॉलिसीज बनाएंगे, अगर डिफेंस का दिया है तो डिफेंस की पॉलिसीज बनाएंगे। ये पॉलिसीज वो बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दिखाते हैं, मतलब सीएम को दिखाते हैं, और फिर इसके ऊपर अमल भी करते हैं। एग्जीक्यूट करना मतलब कि अमल करना, और फिर उसके अंदर अगर उनको लगता है कि कुछ चेंजेस करना है, कुछ कानून में बदलाव करने की ज़रूरत है, तो वो भी वो बदलाव करने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना बता देते हैं कि भाई यहाँ पर ये बदलना पड़ेगा, अगर हम नहीं बदलेंगे तो इफेक्टिव वर्क नहीं दिखाई देगा। और फाइनेंस मिनिस्टर को भी बजट पेश करना होता है जब टू ईयर का जब एंडिंग होता है, ताकि वो ये बता सके कि हमारी गुजरात में कितने पैसे आए, कितने पैसे खर्च हुए, कितने की ज़रूरत है, कहाँ कमी पड़ गई, ये सारी चीज़ें फाइनेंस मिनिस्टर लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश करते हैं। ओके, फिर यहाँ है द वर्क टू बी डन इज डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस एट द स्टेट लेवल एंड द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शंस एट द नेशनल लेवल। अब यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं, बहुत सारे कामकाज दोनों लोग डिवाइड कर देते हैं। स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है और यूनियन गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर काम करती है। ओके, हमारी कंट्री में 29 स्टेट्स है, राइट, इंक्लूडिंग दिल्ली एज अ नेशनल कैपिटल, एंड देर आर ऑल्सो 7 यूनियन टेरिटरीज। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एरिया इन विच दे फंक्शन, therefore the responsibility of the state government is limited to the particular state, for example the work of the Gujarat state government is limited to the boundary whereas the central government takes care of the entire nation, ठीक है। अब यहाँ पर state government और central government के area में काफ़ी differences है, उनके काम काज में काफ़ी differences है। state governments का एक limited area होता है, थोड़ी सी जगह होती है, सिर्फ उनको वही देखना होता है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे नेशन को देखना होता है। जितने 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, सभी का ख्याल रखना पड़ता है, जबकि स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना होता है, सिर्फ अपने अपने स्टेट को ही संभालना पड़ता है। ओके, द फंक्शंस एंड द पावर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इंटू 3 लिस्ट, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। The subjects included in this list are mentioned in the constitution. अब हम यहाँ पर नीचे जो देख रहे हैं ये 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है जो नेशनल लेवल पर है, स्टेट लिस्ट का मतलब है जो स्टेट लेवल पर है, और कॉन्करेंट लिस्ट जो दोनों मिलकर चलाते हैं। तो इनके पास ये कुछ लिस्ट है। अब ये लिस्ट क्या काम आते हैं,
इनको ये लिस्ट दी जाती है कि ये जितने भी लिस्ट है यहाँ पर आपका पावर है, आप अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हैं। जो भी आपको चेंजेस करना है आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कानून बदलने की ज़रूरत है तो आप कानून बदल सकते हो। आप इसमें कुछ थोड़ा बहुत अमेंड करना चाहते हो अमेंड कर सकते हो। ओके, तो यूनियन लिस्ट के पास क्या है देखते हैं। द सब्जेक्ट हैंडेड ओवर टू द यूनियन गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। जैसे यूनियन के पास क्या चीज़ होता है, तो यहाँ दिया गया है सेंसस रिलेशन विद द फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन कैसा है। डिफेंस की बात करें तो फाइनेंस के, फाइनेंस एंड बैंकिंग, इलेक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ द लॉ ऑफ सिटीजंस, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, इंश्योरेंस सर्विसेज, सीज, एयर रोड, रेल रूट एंड न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे ये जितना भी हमको दिया गया है सेंसस से लेकर न्यूक्लियर पावर तक, ये सारे जो है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। और ये लोग जो है, ये लोग ये पावर होता है इनके पास कि ये ज़रूरत पड़ने पर इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके कानून में चेंज कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं स्टेट लिस्ट। तो स्टेट के पास क्या होता है, the subjects related to the state are enlisted in the state list. The state government makes the law with the help of legislative assembly and executive of the cabinet. The list includes health, agriculture, forest, local self-government. ये जो पांच छह चीजें हैं ये तो बहुत कम दी है हम लोगों को। इसमें और भी होता है, 66 स्टेट लिस्ट होते हैं और यूनियन लिस्ट में 97 लिस्ट होते हैं। तो हमको अभी बहुत ही लिमिटेड दिया है। जैसे जैसे आप आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे आप और पढ़ोगे, आपको अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो ये जो भी हमको दिया है, हेल्थ दिया है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये जो है स्टेट लेवल पर सीएम जो है इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, राइट। गवर्नर को अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है तो वो ऐड भी कर सकते हैं, नया कानून भी बना सकते हैं। ये इनके पास ये जितने भी फील्ड है इसका पावर स्टेट के पास होता है तो ये कर सकते हैं। अब कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जहाँ पर यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन फॉर्म द लॉ फॉर इट। दोनों ही अपने अपने लेवल पे लॉ बना सकते हैं। और इनके 47 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। क्राइम को रोकने के लिए अगर कोई नया कानून बनाना चाहता है चाहे यूनियन या स्टेट, तो उनको इजाजत है, उनके पास पावर है। रेवेन्यू ऑफ टैक्स, जब उनको लगता है कि हमें टैक्स में परसेंटेज बढ़ाने की ज़रूरत है तो वो अपने अपने लेवल पर बढ़ा सकते हैं। डिवोर्स केस अपने अपने लेवल पे वो देख सकते हैं। लिटरेसी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। तो ये पावर इन दोनों के ही हाथ में है और ये ज़रूरत पड़ने पर उसके बदलाव ला सकते हैं। नाउ यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली हम देखते हैं ये क्या बता रहा है। तो मरीना, इमरान एंड द अदर स्टूडेंट्स ऑफ देयर स्कूल वेर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर ट्रिप टू गांधीनगर, द कैपिटल ऑफ गुजरात, वेर दे वेर गोइंग टू सी द लेजिस्लेटिव असेंबली। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक दे वेंट अपस्टेयर्स, देयर वेर अरेंजमेंट्स मेड फॉर द विजिटर्स फ्रॉम वेर दे कुड सी द ग्रैंड हॉल डाउनस्टेयर्स। सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज मेड इन दैट मीटिंग हॉल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इमरान, मरीना, इनके स्कूल की तरफ से इन लोगों को बहुत ही खुश है ये लोग, क्योंकि इनके स्कूल की तरफ से इनको गांधीनगर ले जाया जा रहा है। और जो विधानसभा हमने देखा, ये विधानसभा इन लोगों को दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। जब ये लोग विधानसभा में पहुँचते हैं तो पहले उनकी चेकिंग होती है, जो उनका पोर्टफोलियो होता है। तो सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद ये लोग जब अंदर जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि विजिटर्स मतलब जो लोग देखने आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सा हॉल बनाया जाता है, जहाँ पर वो बैठकर या खड़े होकर पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली को देख सकते हैं और वो देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का अरेंजमेंट किया जाता है। ऑन दिस डे द करंट इशू वॉज टू बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यूजुअली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली द MLAs कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशंस एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चंस एंड गिव द सजेशंस। द मेंबर्स गिव देयर फीडबैक्स ऑन द फीडबैक्स ऑन द इश्यू बींग डिस्कस्ड एंड देन द कंसर्न मिनिस्टर्स आंसर द क्वेश्चन एंड ब्रीफ देम अबाउट द मेजर्स टेकन टू सॉल्व द इश्यूज। ठीक है, अब करंट इश्यूज मतलब कि जो भी अभी इस वक्त जो भी इनके पास इश्यू होता है ये ले जाकर वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने बात किया था कि हमारे जितने भी हमारे गुजरात में जो है 33 जिला है ना, 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट में से कम 40 MLA ऐसे होंगे जो चुने गए होंगे।
तो ये 40 MLAs जाकर वहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, कहाँ पर, विधानसभा में 182 सीट्स है, तो 182 सीट्स पे 182 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर डिस्कस करते हैं जो भी मैटर होता है, वहाँ पे सवाल जवाब किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं और जो उसका रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होता है वो उनको आंसर देता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज में, वी ऑफन कम अक्रॉस ऑन टेलीविजन और इन न्यूज़पेपर द डिसीजंस दैट आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स इन ऑर्डर टू रन द गवर्नमेंट। वाइल टेकिंग अ डिसीजन अबाउट एनीथिंग इट इज नेसेसरी टू टेक द परमिशन ऑफ द MLAs। इन अ डेमोक्रेसी द MLAs कैन क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर्स एंड डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट मैटर्स। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाया दिया जा रहा है जो विधानसभा का है, लेजिस्लेटिव असेंबली का है। यहाँ पर ये स्पीकर बैठे हैं, ठीक है, ये सब कुछ सुनते हैं, राइट, ये सारी बातें सुनते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोग जो हैं MLAs बैठे हुए हैं, क्वेश्चन आर हो रहा है, ये भाई साहब खड़े होकर अपने पॉइंट्स जो है लोगों को बता रहे हैं और कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं और इन सवालों को कुछ आंसर देने के लिए यहाँ पर जो भी इसमें रिस्पेक्टिव हेड होगा वो खड़ा होकर इसका आंसर देगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर आर्स चलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो ये डिसीजन प्राइम चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, उन्हें सारे MLAs को बताना पड़ता है कि हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ है या आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आपको कोई सजेशन देना है तो आप दे सकते हो। फिर काफ़ी सजेशंस के बाद, व्यूज़ के बाद सब लोग मिलकर फिर से डिस्कस करते और फाइनली जो होता है फिर उसके बाद इसको इश्यू किया जाता है। इस तरीके से डिसीजन लिया जाता है और पावर को यूज़ किया जाता है और नए नए कानून को लाया जाता है। दे कैन इवन टेक द डिसीजंस रिगार्डिंग द फाइनेंशियल मैटर्स एंड डिसाइड ऑन द एक्सपेंडिचर टू बी डन इन द डिफरेंट एरियाज। व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज इन सेशन एनी ऑफ द MLAs कैन आस्क द क्वेश्चन। द स्पीकर मैनेजेस द असेंबली एंड वन रिक्वायर हिज और हर परमिशन बिफोर प्रेजेंटिंग एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पर ये लोग जो है डिसीजन लेते हैं, हर एक चीज़ का डिसीजन लेते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स के लिए भी लेते हैं, एक्सपेंडिचर के लिए भी लेते हैं, कहाँ खर्च करना है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन से एरिया में क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये सारे जो है यहाँ पर क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनके जवाब मिलते हैं, इस तरह से डिस्कशन होता है और परमिशन के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है और हमने पढ़ा यहाँ पर कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसी से MLAs चुने जाते हैं, कैसे वो असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठा होते हैं, मेजोरिटी पार्टी कैसे जीतती है, ओपोजिशन पार्टी कौन है, रूलिंग पार्टी कौन है, स्पीकर किसको कहा जाता है। ठीक है, स्पीकर आप देख सकते हो ये यहाँ पर ये पिक्चर में, ये जो यहाँ बैठे हैं जज की तरह, इसको स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, ये स्पीकर है, इनको ये पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली को कंट्रोल करते हैं। अगर कोई शोर मचाता है या फिर कोई किसी की इंसल्ट करता है तो ये जो है इनको ये रूम छोड़कर बाहर जाने का बोल देते हैं और इन्हें जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है और ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।